So class, you all are in the high school. It is important as well as compulsory for you all to join a club for your own development. So I request you all to join any club you like. Within a week, I want you all in a club. Is that clear? Yes, sir. इन स्कूल वालों को कोई काम धंधा नहीं है शायद, सारे फालतू के काम करवा लो इनसे। पता नहीं इनको अलग अलग क्लब बनाने में क्या मज़े आते हैं। मेरा कोई दोस्त भी नहीं है जिनसे मैं बात कर सकूं। मैं चाहूं तो किसी भी क्लब में जा सकता हूं। And brought up to the profession of a merchant. I married a lady with whom I lived happily. But being obliged to the epidemnum. इस क्लब में तो भारी भारी इंग्लिश बोलना पड़ेगा। ये क्लब मेरी बस की नहीं। छक्का। ओए छक्का किसको बोल रहा है बे? तेरा बाप छक्का। क्रिकेट तो खेल लूंगा लेकिन इस क्लब में रहने से कुछ दिनों में ही अपाहिज हो जाऊंगा। निकल लेता हूँ यहाँ से। ओए ये दिख रहा है, इससे मारूंगा ना तेरी माँ भी रोएगी। अब तो बस दो ही क्लब्स बाकी है, एक आर्ट क्लब और एक हिस्ट्री क्लब। काश मैं साइंस स्टूडेंट होता तब मुझे अच्छे अच्छे क्लब मिल जाते। अरे तुम तो हमारे ही क्लास में हो ना? हाँ। क्या तुम किसी क्लब में हो? अभी तक तो नहीं। गुड, मैं 11th ग्रेड हिस्ट्री क्लब का लीडर हूँ। हमारे क्लब में वैसे भी लोग कम है, तुम अगर चाहो तो हमारे क्लब ज्वाइन कर सकते हो। ओके। तो हमारे हिस्ट्री क्लब में एक और मेंबर आ चुके हैं और जहाँ तक मुझे लगता है ये हमारे क्लब का लास्ट मेंबर है। हैं क्या? हमारे क्लब का मेन काम है हिस्ट्री पे काम करना, रिसर्च करना, और यही रिसर्च करते करते मुझे बहुत कुछ पता चला। मैं तो अभी से ही पकने लग गया इस क्लब से। ऑलरेडी एक हफ्ता हो चुका है और हमने कुछ भी नहीं किया। इससे बढ़िया तो स्पोर्ट्स क्लब में टांगे तोड़वा लेता। जैसा कि मैंने कहा कि मैं बहुत रिसर्च करता हूँ और इसी रिसर्च के चलते मैंने ये ढूंढ निकाला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे इस शहर तक था। सो इज़ दैट एन अचीवमेंट फॉर अस? नहीं, ये बात बहुत साल पहले ही किसी अंग्रेज़ ने ढूंढ लिया था। लेकिन अगर ये जगह किसी सिविलाइजेशन के अंडर था तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ कोई ना कोई पुराने ज़माने के आर्टिफैक्ट ज़रूर मिलेंगे। सो व्हाट शुड वी डू? हम इस शहर के सारे पुराने इलाकों में जाके उस एरिया को सर्च करेंगे। एंड व्हेन शुड वी स्टार्ट? पता नहीं, कल से ही करते हैं। तो हम यहाँ क्यों आए हैं? हमने कल ही तो डिस्कस किया था, तुम सो गए थे क्या? हाँ, मैंने मतलब नहीं, मुझे पता है हम क्यों आए हैं। गुड, तो हम अपना काम शुरू करते हैं। ये क्या, यहाँ से खुदाई क्यों कर रहे हो? अरे हज़ारों साल पहले की चीज़ें ढूंढ रहे हैं, ज़मीन के अंदर ही तो मिलेगी। अरे यार तुम लोग समझ नहीं रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ ऐसे खुदाई करने की। अगर ट्राई ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? तुम्हारी मर्जी। थक गया मैं तो, कुछ मिला ही नहीं हमें। हार मत मानो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। क्या कुछ ना कुछ, एक घंटे से खुदाई कर रहे हैं हम, इतना खोद लिया हमें, मिट्टी और गोबर के अलावा कुछ और मिला क्या? नहीं ना। या ही इज़ राइट, वी फाउंड नथिंग। नथिंग और नेवर, हमें यहाँ कुछ नहीं मिल सकता। और मैं तो कहता हूँ निकल लेते हैं यहाँ से, मंदिर खुलने का टाइम होने वाला है। अगर कोई पुजारी वुजारी आ गया और मंदिर का ये हाल देखेगा तो दान पेटी फेंक के मारेगा हम पे। इतना डरोगे तो ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। बात डरने की नहीं है, तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हें सही में लगता है कि ऐसी जगह में कुछ मिल सकता है? अगर तुम्हें लगता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। कैसा नहीं लगता है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस जगह में कुछ खास है? अरे इस मंदिर को देखो, ये मंदिर भी तो किसी इंसान ने ही बनाया है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये मंदिर 4000 साल पुराना है। रियली? ये जगह दुनिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में था और उस वक्त की एक ना एक चीज़ यहाँ ज़रूर हो सकता है। आज इंसान दुनिया पर राज इसलिए कर पा रहा है क्योंकि इंसान कभी रुकता नहीं है। आज अगर इंसान आगे बढ़ने से रुक जाए तो हम में और जानवरों में क्या फर्क? पुजारी, दान पेटी।
You know, it's 30th time I'm visiting India, but I still couldn't find the mysterious Shiva seal.